हेलो दोस्तों दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों गुप्त काल लगभग समाप्त होने वाला है। पिछली तीन क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भागवत धर्म, कास्ट सिस्टम और महिलाओं और शूद्रों की स्थिति को डिस्कस किया है। आज गुप्त काल हम खत्म कर देंगे, सीधा हम पहुँचेंगे प्री मीडियन पीरियड में। ठीक, अभी गुप्त काल में जो दो चार टॉपिक्स रह गए हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करके खत्म कर देते हैं, फिर सीधा प्री मीडियन पीरियड यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कला और साहित्य, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। हालांकि भागवत धर्म पढ़ा है, पूरा धार्मिक स्थिति हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे क्योंकि समय मंदिर बनना शुरू हो गए थे और ब्राह्मण धर्म जो कहा जाता है उसको इन्होंने अपनाया था गुप्तों ने, तो अपन उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो कला और साहित्य ये बोर करने वाले चैप्टर हैं, बोर करने वाले क्या हैं, ये टॉपिक्स हैं। और पेपर में UPSC ने या किसी भी स्टेट PCS ने कसम खा रखी है कि वही यही पूछेगा, तो भले बोर करे पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। और ये गोल्डन पीरियड था तो और ज़रूरी हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ेदार बना दूंगा आपके साथ। देखो ये तो बोरिंग करेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं मज़ेदार बनाता हूँ। कैसे, सुनो, अभी इंडिया में दो शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में, बहुत ज़्यादा मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, एक अपना रिलीजन, दूसरा है सेक्युलर, एक है धर्म और दूसरा है धर्म निरपेक्षता, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। तो इस काल में, इस गोल्डन पीरियड में, गुप्त युग में, ये कहा जाता है कि भाई कला जो थी, कला लेडीज़ का नाम नहीं है, कला अपने आर्ट, तो अपनी जो आर्ट थी वो कैसी हो गई थी भाई, वो पक्षपाती हो गई थी कि एक धर्म के प्रति उसका मोह था, एक धर्म के प्रति झुकाव था कला का, ये इतिहासकार हिस्टोरियंस कहते हैं। साहित्य को लेकर ये कहना है कि साहित्य धर्म निरपेक्ष था और कला कैसा था, वो धर्मवादी हो गया था। समझ पा रहे हैं कि जो आर्ट थी, आर्ट में मतलब जो मंदिर बने, जो इन्होंने अपने समय में महल बनवाए, जो भी बनवाए, वो एक धर्म के प्रति झुकाव वाले दिखते हैं। साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य में धर्म निरपेक्षता थी, तो इसको ही समझते हैं पहले कला और साहित्य को। कला और साहित्य, देखो भाई, मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल से मानी जाती है, वैदिक काल में इसके अंश दिखाई देते हैं। हड़प्पा युग में एक मूर्ति मिली थी जिसे पिग्गट महोदय ने पशुपति नाथ की मूर्ति कहा, तो उससे अंदाज़ा लगाया कि भाई ये मूर्ति की पूजा करते होंगे, लेकिन वो दुनिया भर के जो सभ्यता थी छोटी छोटी, जैसे मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, वहाँ पे भी मिले थे, तो ऐसा नहीं माना गया सर। लेकिन इस काल में मूर्तियाँ मंदिर में रखाने लगी, पूजा होने लगी। ठीक है, तो कला और साहित्य, तो कला को कहा जाता है कि ये धर्मवादी हो गई, साहित्य को कहा जाता है कि साहित्य धर्म निरपेक्ष था। ठीक है भाई, ऐसा लिख देता हूँ मैं ये वाला। तो साहित्य कैसा था, धर्म निरपेक्ष था, साहित्य अच्छा इंसान, और कला कैसी थी, धर्मवादी हो गई थी, मतलब धर्म के प्रति झुकाव हो गया था, तो ऐसा क्यों। तो देखो भाई, मौर्य युग से शुरू करते हैं। तो मौर्य युग में जब मंदिर बने थे क्या, मौर्य युग में स्तूप बने, स्तूप किसके लिए बनवाए गए, बुद्ध धर्म के लिए, बुद्ध के लिए। तो भाई मौर्य युग में बुद्ध की बात, ठीक है, हिंदुओं की साइड देखा ही नहीं जा रहा। सातवाहन युग आया तो साहित्य और कला दोनों कैसे हो गए भाई, ब्राह्मणवादी हो गए, कैसे हो गए थे, ब्राह्मणवादी। उसके बाद अपना गुप्त काल आया, तो गुप्त काल में पूरा भगवाकरण हो रहा है, कैसा, भगवत धर्म का प्रचार प्रसार, ब्राह्मण धर्म का
वैदिक सभ्यता का, सामाजिक व्यवस्था का इधर विकास हो रहा है, क्योंकि जो हमारे गुप्त राजा थे वो परम भगवत की उपाधि लेते थे और भागवत धर्म के वो समर्थक थे, संरक्षक थे, क्योंकि भागवत धर्म नया नया धर्म था और विदेशी और राजाओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। तो देखो, मौर्य युग में पूरे काम बुद्ध के किए गए, सातवाहन आया, पुष्यमित्र शुंग का युग आया, वहाँ पर ब्राह्मणवादी काम किए गए, मतलब जो स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। तो मौर्य युग में बुद्ध और सातवाहन, अपन शुंग वंश की बात करें तो वहाँ पर ब्राह्मणवादी, ठीक है। गुप्त काल में आए तो ये भी कैसे हो गए, ब्राह्मणवादी हो गए। तो भाई कला को इसलिए कहा जाता है कि कला धर्म निरपेक्ष नहीं थी। कला मतलब आर्ट, लिख दूं मैं यहाँ, पता नहीं कौन सी कला, आर्ट एंड लिटरेचर, लिटरेचर ऐसा, ठीक है। तो बुद्ध कभी ब्राह्मणवादी तो कभी कुछ, तो एक तरफ झुकाव रहा है, हम ये मौर्य युग से देख रहे हैं। कला की बात करें तो देखो भाई, जब मौर्य युग था तो भाषा कौन सी प्राकृत यूज़ की गई, ये वाली भाषा को इन्होंने अपनाया। कुछ विदेशी आए, जिसमें रुद्रदमन की बात करें तो उन्होंने संस्कृत को अपनाया, ठीक है। कुछ शुंग राजा आए तो उन्होंने संस्कृत और प्राकृत को अपनाया, ठीक है। और अगर कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने भी क्या अपनाया, संस्कृत को अपनाया। इन्होंने तो सारी भाषा, पाली और जो अपनी प्राकृत है, सबको अपनाया इन्होंने, कि इनको पता था, ये समझदार लोग थे कि भाई यहाँ पर सारे प्रकार के लोग रहते हैं, हर भाषा में सिक्के चलाओ, हर भाषा में स्ट्रक्चर बनवाओ, हर भाषा में अभिलेख उत्कीर्ण करवाओ, लिखवाओ। तो देखो, इधर प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, इधर अपनी पाली भाषा भी है, यानी कि लिटरेचर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, किसी धर्म के प्रति झुका नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो भाई देखो, भले उसने ब्राह्मण बाद का प्रचार प्रसार किया, उसने कुछ भी किया हो, लेकिन उसने बुद्ध के कुछ काम करवाए थे, जैसे सांची में जो चार दीवारी है और भरूत सतना का जो स्तूप है उसकी भी चार दीवारी और गेट उसी ने बनवाए, ठीक। लेकिन हमारी जो कला है वो कैसी हो गई थी भाई, धर्मवादी हो गई थी, ये इतिहासकार मानते हैं। और ये कैसी, कैसा था अपना साहित्य, ये था भाई धर्म निरपेक्ष। तो सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, ये तो अपने भारत में शुरू से ही चला आ रहा है। हम वो लोग हैं जो मुगल युग में नहीं सुधरे, हम दिल्ली सल्तनत में नहीं सुधरे, ब्रिटिश काल में नहीं सुधरे, तो अब कहाँ सुधरेंगे, कहाँ से प्राकृत सेक्युलर हो जाएगा, कहाँ से हमारी प्रकृति बदल जाएगी, ठीक है भाई। तो कला और साहित्य क्यों धर्मवादी और धर्म निरपेक्ष कहे जाते हैं, ये अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब समझते हैं इनके कला को, पहले कला की बात करते हैं फिर साहित्य की बात करेंगे। वो तो हमको सबको मालूम है कि ईंट से बने मंदिर, प्रथम शिखर युक्त मंदिर, मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करना, पूजा करना, वो सब इस काल में शुरू हुआ। इस काल में एक इम्पोर्टेंट बात ये रही है भाई, ये देखो, कला और साहित्य में अभी हमने समझा कि सेक्युलर और नॉन सेक्युलर कहा जाने लगा। अब कला की बात करें तो कला अपनी पूरी भागवत धर्म से प्रेरित है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बनवाई जाएगी वो सारी धर्म से रिलेटेड होगी, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के ये क्या थे, समर्थक थे। जैसे बात करें मंदिर निर्माण, तो पहले मंदिर जो बनवाए गए गुप्त युग में, वो इसलिए नहीं बनवाए गए थे कि आप जाकर वहाँ पर पूजा करो, मंदिर कला का हिस्सा थे, वो स्थापत्य कला की श्रेणी में रखे गए थे जो उन्होंने बनवाए थे गुप्तों ने, जिसमें हम कितने फेमस फेमस मंदिर को देखते हैं, विष्णु का 10 अवतार वाला मंदिर झांसी का, ठीक है, ये मंदिर देख लो आप, एक मूर्ति देख लो आप बुद्ध की जो भागलपुर सुल्तानगंज में मिली थी, भागलपुर सुल्तानगंज,
जो आज कहाँ है, बर्मिंगम में। ये मूर्ति देख लो आप, ये तांबे की मूर्ति थी। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो स्ट्रक्चर्स बनवाए गए, जो वहाँ पर चित्रकारी करवाई गई, उनमें कुछ गुप्त राजाओं द्वारा भी थे, हालांकि वो पहली से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के थे। ईसा मसीह के जन्म से बात करें तो पहली से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के अजंता एलोरा की गुफा में हमें दिखते हैं जो भी चीज़ें हैं, जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, खासकर वहाँ पर बुद्ध धर्म की चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर विष्णु की मूर्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें बाद में गुप्त राजाओं ने बनवाई, लेकिन गुप्त अजंता एलोरा की गुफाओं के क्या संरक्षक नहीं थे। मंदिर निर्माण, जैसे झांसी में विष्णु का 10 अवतार मंदिर, ठीक है, 10 अवतार मंदिर। और इसके बाद बात करें तो यहाँ ईंटों से बने मंदिर प्राप्त हुए। कौन से मंदिर? ईंटों से बने, ईंटों से बने मंदिर, ठीक है, इतना तो पता होगा। बरहूत सतना के स्तूप देख लो, सारनाथ में धामेक का स्तूप देख लो, और अगर हम बात करें तो बुद्ध की मूर्तियां भी कुछ बनवाई गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई। जरासंध की गुफा देख लो आप, बहुत सारी चीज़ें इनके समय बनवाई गई। बस इतना ध्यान रखना कि पहली बार ईंट के मंदिर कब बनने शुरू हुए, गुप्त काल में। मंदिर स्थापना, मूर्ति स्थापना कब शुरू हुई, गुप्त काल में, ठीक है। विष्णु का 10 अवतार मंदिर कहाँ कब बनाए, ये बनाया गुप्त काल में, और शिखर युक्त मंदिर बनते थे इस समय, शिखर युक्त, जो अभी हम देखते हैं ना शिखर वाले मंदिर। पहली बार शिखर वाले मंदिर कब बनाए गए थे, गुप्त युग में बनवाए गए थे। बस इतना ध्यान रखना, कला में इतनी चीज़ें हैं, और ये ध्यान रखना कि कला कैसी थी, धर्मवादी थी, कला सेक्युलर नहीं थी, धर्मनिरपेक्षता कला में दिखाई नहीं देती, ये बात आप ध्यान रखें। साहित्य की ओर चलते हैं। देखो भाई, साहित्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, साहित्य को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कुछ जो महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए थे उनको समझेंगे। इस काल में हमें पता है कि गुप्त राजा, एक तो ये कला के भी संरक्षक माने जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय और समुद्रगुप्त, जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए वो दिखाई देता है, और अगर हम बात करें हमारे महाराज विक्रमादित्य की, तो चांदी के सिक्के चलवाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए किसने, समुद्रगुप्त ने। तो इनके पास सोना वोना सब था। इधर आए विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें अमरकोश, धन्वंतरी, कालिदास, बराहमिहिर, छड़पक, ऐसे करके 9 इनके कौन थे, नवरत्न थे, ठीक है। इस समय साहित्य कैसा था, ये धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था। हर भाषा में साहित्य लिखा गया है, हर फील्ड में, बौद्ध धर्म हो, चाहे भगवत धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, पुराणों की रचना हो, ये सारे काम इस समय हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे जो महाभारत है, महाभारत और रामायण, ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाग्रंथ है। तो महाभारत और रामायण गुप्त काल में जाकर पूर्ण हुए हैं। जो श्री राम की कहानी है, श्री कृष्ण की कहानी है, वो अब जाकर पूरी हुई है, संकलित हुई है। एक बात इम्पॉर्टेंट ये याद रखें, महाभारत और रामायण, रामायण में सबको पता है कि श्री राम को उनके पिता ने आज्ञा दी कि जाओ भाई जंगल में, वहाँ पर उनकी पत्नी का हरण लंकापति रावण ने कर लिया। तो रावण ने जाकर जब सीता जी को हरण कर लिया, तो फिर हनुमान जी गए, ये तो सब आपको पता है, ठीक है। महाभारत में क्या हुआ ये भी हमें पता है, महाभारत में किस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच राजपाट के लिए युद्ध हुआ, ठीक।
तो महाभारत और रामायण इस समय जाकर पूरे हो गए। इस काल में एक और महत्वपूर्ण जो हमारे सामने रचना आती है वो है कालिदास की, और उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी रचनाएं इनकी, जैसे विक्रमोर्वशीय है, और हमारा कितनी सारी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम, ऋतु संगारम, इतनी सारी चीज, इतनी सारी इनकी क्या है, कृतियां हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी रचना है कालिदास की, एक ऐसी उन्होंने कहानी लिखी है कि यूरोप ने पहली बार भारत के किसी ग्रंथ का, पहली बार भारत के किसी साहित्य का अनुवाद करा तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, यूरोपीय भाषा में। ठीक है, इसके बाद भगवत गीता का किया गया, तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोप ने पहली बार क्या किया, अनुवाद किया, तो ये एक इम्पोर्टेंट रचना है, इसको ध्यान रखना है। इस समय भास नाम के एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे, ये दरबार से संबंधित नहीं थे लेकिन प्रसिद्ध हुए। भास नाम के व्यक्ति ने एक रचना लिखी थी दरिद्र चारु, दरिद्र चारु बाका में ऐसा कुछ नाम है उसका, जो बाद में शूद्रक के मत्स्यकटिकम, शूद्रक ने मत्स्यकटिकम लिखा था ना, नाम भी तो कैसे कैसे, मत्स्यकटिकम, इसके रूप में प्रस्तुत हुआ। दरिद्र चारु दत्त, दरिद्र चारु दत्त ये नाम है शायद, जिसमें एक ब्राह्मण व्यापारी और एक वेश्या का प्रेम संबंध बताया गया है, जो बाद में शूद्रक के मत्स्यकटिकम में परिवर्तित हुआ। ये एक प्रसिद्ध रचना थी, उस समय इस रचना को बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, इसे लिटिल क्ले आर्ट ये भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की वाली बात है। इस समय अमरकोश, अमर सिंह, अमर सिंह का अमरकोश भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, ये भी याद रखने वाला ग्रंथ है। ये अमर सिंह की रचना थी अमरकोश। इस समय एक और रचना विशाख दत्त का, क्या नाम है इसका, विशाख दत्त का, अरे यार नाम क्या है, नाम भूल गए, याद करने दो, हाँ देवीय चंद्रगुप्तम, ये देवीय चंद्रगुप्तम, ये भी एक फेमस ग्रंथ है, इससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक और क्या है, देवी चंद्रगुप्तम हो गया, और क्या बचा है, बस इतनी रचना है, इनको ध्यान रखो आप, इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो ऐसे तो इतनी सारी हैं कि अपन परेशान हो जाएंगे, याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस समय कई सारे नाटक लिखे गए, और इन नाटकों की खासियत थी, एक तो ये त्रासदी पूर्ण नहीं थे, त्रासदी पूर्ण नहीं थे, मतलब जब भी नाटक का अंत होता है तो नाटक में खुशहाली रहती है, रोना गाना नहीं होता। दूसरा ये कि इसमें जो शूद्र है, निम्न वर्ग है, वो प्राकृत बोलता है, और जो उच्च वर्ण है वो संस्कृत भाषा बोलता है। देखो, इससे सामाजिक व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, इतनी रचनाएं ध्यान रखना। इस काल में सबसे प्रसिद्ध रचना एक और ये भी थी, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ये इसके चार भाग थे, कभी इसको डिटेल में समझेंगे हम पंचतंत्र को, बहुत फेमस किताब थी उस समय, इसको भी आप ध्यान रखें। इतना साहित्य आप याद रखें, कला जो मैंने बता दिया है उतना हमको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है आपको, 510 में पहली बार सती प्रथा का अभिलेख, सती प्रथा का अभिलेख, ठीक है, जिसमें भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, उनकी पत्नी क्या हुई थी,
सती हुई थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, तो वो सती हो गई थी, ऐसे करके भानुगुप्त भी आग में कूद गए थे। ठीक है, तो इतनी चीज कला और साहित्य में आप याद रखें। महाभारत और रामायण इस समय पूर्ण हुई, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतला में याद रखें, पहली बार यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद हुआ, भास की दरुद्र चारुदत्त याद रखें, जो बाद में शूद्रक के मृच्छकटिकम या लिटिल क्ले आर्ट के रूप में प्रस्तुत होता है, इसी का नाटक बनाया जाता है, जिसमें शूद्र क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, और ये हमारे त्रासदी पूर्ण नहीं होते। अमर सिंह का अमरकोश, विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अलावा एक लीलावती गणित की किताब, वो भी प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा हमारे बराहमीर, इनके पंच सिद्धांतिका और भी किताबें हैं, वो भी प्रचलित हुई, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध थे वो ये थे। एक लीलावती गणित की किताब याद रखना, इसका राइटर नहीं मिलता, लीलावती सुन के हमको लगता है कि ये एक प्रेम कहानी होगी, लीलावती गणित की किताब है, कभी कभी भास्कर को उसका राइटर मान लिया जाता है। ठीक है भाइयों, ये इतनी कहानी याद रखें। चलो चलते हैं, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साइंस की। इस समय साइंस भी डेवलप्ड हुआ है, उस साइंस के डेवलपमेंट में तीन चार व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। इनमें से एक है सुप्रसिद्ध नागार्जुन, ये साइंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, साइंस, नागार्जुन एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं भाई। नागार्जुन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पारस पत्थर से ये सोना बना देते थे। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी चीज में टच कर दिया जाए, रसायन शास्त्री थे, तो वो सोना बन जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इतना सोना बनने लगा था कि नागार्जुन को वो पत्थर कहाँ फेंकना पड़ा, समुद्र में, ऐसा कहानी सुनने को मिलता है। ठीक है भाई, तो नागार्जुन कौन थे, रसायन शास्त्री, ये याद रखना है। एक व्यक्ति हैं हमारे आर्यभट्ट, ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, इन्होंने ही हमें बताया है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, इनके हिसाब से हुआ था वो 3000 साल पहले। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने महाभारत के युद्ध के बारे में हमें बताया है कि वो 1100 के आसपास हुआ है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य 950 है। तो आर्यभट्ट को हर व्यक्ति जानता है, इनके बचपन का नाम तरुण था और ये एक मस्त वैज्ञानिक थे, जीरो के खोजकर्ता माने जाते हैं। हालांकि विश्व में 7 व्यक्तियों को ये दर्जा प्राप्त है कि वो खोजकर्ता हैं शून्य के। तो आर्यभट्ट, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सूर्य सिद्धांत, जो कोपरनिकस ने दिया था ना, उससे पहले हमारे यहाँ आर्यभट्ट दे चुके थे कि भाई पृथ्वी का केंद्र कौन है, ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और इनकी घटना ये थी कि जब इन्होंने ये बात रखी सामने कि सूर्य चंद्र ग्रहण ये सब ऐसे होता है, ये कोई वो नहीं है, साइंस वो धर्म के ऊपर नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है, तो इनका विरोध भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अरे हमने बोल दिया, मतलब धर्म से होता है, मतलब राहु आके लगाता है ग्रहण, तो ऐसा ही होता है मान लो, तो आर्यभट्ट ने नहीं माना था। ठीक है, सूर्य सिद्धांत, चंद्र ग्रहण का सिद्धांत, सूर्य ग्रहण का सिद्धांत, ये सब आर्यभट्ट ने दिए। जीरो की खोज, ये भी इनको दर्जा प्राप्त है कि इन्होंने की थी। ठीक है, एक व्यक्ति है हमारे पास बराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री हैं, बराह मिहिर ऐसे लिखाएगा, ये कौन है, खगोल शास्त्री। एक इन व्यक्तियों को आप याद रखें, इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी है, बराहमिहिर संहिता, ऐसे करके इन्होंने भी 4-5 किताबें लिखी हैं। खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्र के ये एक्सपर्ट माने जाते थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, इनको ध्यान रखो, इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत।
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कि कोई चीज नीचे कैसे आ जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। भास्कराचार्य भी एक अच्छे वैज्ञानिक थे इस समय। धन्वंतरी का एक बार सवाल आया था कि धन्वंतरी कौन थे, ऐसे लिखा है ना, धन्वंतरी, ये भाई आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति थे, इनको याद रखें आप, ठीक है। ये किससे संबंधित थे? आयुर्वेद से संबंधित थे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी इस समय। एक महत्वपूर्ण रसायन शास्त्री नागार्जुन, सब जानते हैं इनको, आर्यभट्ट इनको भी सब जानते हैं, बरामीर भी फेमस व्यक्ति हैं, ब्रह्मगुप्त, हम तो ब्रह्मगुप्त का प्रमेय भी पढ़ते हैं, धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति थे, चिकित्सा शास्त्री, ठीक है। तो इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस समय क्या हुई, डेवलप्ड हुई। वो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हम सारी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं और थोड़ी सी धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। हालांकि पिछली क्लासेस देखी होगी आपने तो आपको पता होगा कि आर्थिक और धार्मिक स्थिति में क्या हो, ठीक है। आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि बाकी तो हम सब समझ चुके हैं। इकोनॉमी, इस समय अर्थव्यवस्था में ये हुआ, इकोनॉमी में ये हुआ कि समुद्रगुप्त के समय तो अच्छा सोना था, खूब सोने के सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के आते आते सिक्के चांदी में बदल गए। एक समय कुमारगुप्त के टाइम पर ऐसा आया कि तांबे और चांदी के मिश्रण वाले सिक्के बनाए जाने लगे, मिक्सचर करके मिलावट की जाने लगी। और एक समय तो ऐसा आया कि अब हूणों का आक्रमण हो गया, स्कंद गुप्त के समय, बुद्ध गुप्त तक हालत सही रही और उसके बाद कंडीशन खराब। तो ये तो होना ही था और क्यों ना हो, इतना दान दिया इन्होंने ब्राह्मणों को, इतना दान दिया कि ब्राह्मण रहीस हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें नारद स्मृति में लिखी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में ये जो काल माना जाता है, तो आर्य शर्मा लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में स्वर्णिम युग नहीं था, अर्थव्यवस्था के मामले में ये स्वर्ण युग नहीं था। हालांकि गुप्तों के पास सोना बहुत था, लेकिन बाद की स्थिति बिगड़ गई। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी, पहले ठीक थी बाद में बिगड़ी, तो स्वर्णिम युग नहीं माना जाता अर्थव्यवस्था के मामले में, ठीक है। तो ब्राह्मणों को दान देना और इतना दान देना कि धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ गया, मोह बढ़ गया, ये अर्थव्यवस्था की हानि का एक कारण। दूसरा कारण, रोम वालों ने भाई रेशम बनाना सीख लिया, भारत से रेशम ले जाते थे पूर्वी रोम वालों ने, अब रेशम बनाना सीख लिया तो वो रेशम क्यों ले जाएं? इसीलिए गुजरात से, ये समझ लो गुजरात से एक समूह रेशम बनाने वालों का कहाँ आ गया था, मालवा। और इससे ये बात स्पष्ट होती है, और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए, तो ये बात स्पष्ट होती है कि विदेश व्यापार में कमी आई थी। तो एक कारण रहा ब्राह्मणों को दान, दूसरा रेशम व्यापार में कमी। विदेश आक्रमण हुआ तो फिर से उत्तर पश्चिमी सीमा किसके हिस्से में आ गई, विदेशी आक्रमणकारियों के हिस्से में आ गई। ये तीसरा कारण हो गया अर्थव्यवस्था खराब होने का, ठीक। चीन वाले तो पहले से ही खतरनाक लोग हैं, कुछ जो आए थे इनके समय, जैसे फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो वो बताता भी है कि भाई इस समय जो शूद्र थे उन लोगों ने अब अपना काम खुद करना सीख लिया, यानी कि जो शूद्र थे उन्हें केवल दास के रूप में माना जाता था, लेकिन शूद्रों ने यहाँ पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया और दासों में भी कमी आई है। ये भी एक घटना इनके अर्थव्यवस्था में कमी के लिए माना जाता है। एक तो हो गया दान, ठीक, रेशम व्यापार में कमी, शूद्रों या दासों की संख्या में कमी, ठीक है, गुजरात से रेशम बनाने वाले समूहों का मालवा पहुंचना, ये सारे कारण इनके अर्थव्यवस्था के
माने जाते हैं कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी अंतिम अंतिम समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय तक तो ठीक था मामला, लेकिन अब मामला कैसा हो गया था, बिगड़ गया था। कला में इन्होंने इतना रुचि दिखाई है कि पूरे मंदिर बनवाने के लिए ये दान दिए गए। कला के कारण भी इनका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था अंतिम अंतिम समय में डगमगाई है। हालांकि प्रारंभ में सिक्के सोने के बहुत थे, ये अर्थव्यवस्था ठीक है भाई। और बाकी हमने पहले की क्लास में जब डिस्कस किया है तो सब पढ़ ही चुके हैं। धर्म की बात करें तो इस काल में पूजा, वो भी कौन सी, मूर्ति वाली पूजा शुरू हो गई, भागवत धर्म का विकास हुआ ठीक है, ब्राह्मणवाद का विकास हुआ, ये समझने वाली बात है। बस इतनी चीज़ें धर्म में, बाकी तो हम भागवत धर्म पढ़ चुके हैं पूरा, वहाँ पर मैंने बताया कैसा क्या हुआ था ठीक है। और एक बात ध्यान रखें आप कि चीन से व्यापार में जो हमारा श्रीलंका था वो मीडिएटर की भूमिका निभाता था। श्रीलंका क्या करता था, मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, कौन, श्रीलंका। बस ये हमारा गुप्त युग खत्म, इससे ज़्यादा आप कहीं पढ़ ले नहीं मिलेगा। और बाकी फिर रपेटना है तो भाई किताब ले लो, सब रपेटो, क्या मतलब है उससे, जीके जीएस की कोई सीमा थोड़ी है। तो ब्रह्मा है अपने आप में। धर्म में मूर्ति पूजा, भगवत धर्म का विकास, हिंदू धर्म का विकास, ब्राह्मणवाद का विकास, बाकी भगवत धर्म का वीडियो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा ये गुप्त युग पूरा समाप्त। अब हम उस जगह से आगे बढ़ेंगे जिस जगह पर हमने यशोधर्मन को छोड़ा था। याद करो कि नरसिंह गुप्त वाला दित्य ये कौन था, शासक था, कहाँ पर, मगध में। यशोवर्मन का उदय मालवा में हुआ और उसने हूणों के राजा मेहरगुल को परास्त करके पकड़ कर ले गया था, किसके पास, नरसिंह गुप्त बालादित्य के पास। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने उसको छोड़ दिया था तो मेहरगुल कहाँ गया था, भागकर काश्मीर। एक साल तक वो वहाँ पर रुकता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है ठीक है। इस क्रोध में आकर यशोधर्मन सभी जो गुप्त राजा होते हैं उन पर अपने अधिकार कर लेता है, उन पर आक्रमण करके उनको परास्त कर देता है। ये बात आप ध्यान रखें, यहाँ तक हमारा इतिहास पहुँचा और यशोधर्मन की मृत्यु हुई। यशोधर्मन की मृत्यु के बाद अगली क्लास में कहानी शुरू होगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर कर देना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास तक। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं।